क्या कहती है अबू, आप क्यों रो रहे हो? क्या रोला क्या है आपका? चलो देखते हैं फिर। अभी तो अमीना ही रोए जा रही है, इसका शैम्पू ले आऊं। शुरू में जो है ना, अभी मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि अभी सबको परेशानी होगी, भाई ऊपर भाई को होगी, मेरी सिस्टर को होगी, क्योंकि हमारे खूनी रिश्ते हैं। और ना ही हम ये नहीं कि खत्म तो नहीं कर रहे। खांसी थी तो ये रात को रोती रही। अब बताओ आप कैसी है, आपकी तबीयत ठीक है? सफाई वगैरह कराएंगे। और मौसम आज भी ठंडा है बिल्कुल, और बादल बने हुए हैं, शांत है। जैसे ही वो प्लाट देखा, माशाल्लाह सब खुश है, खुश तो हो गए थे। लासी दे देगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। हम भी माशाल्लाह ठीक हैं और हमारे घर में भी सब ठीक है। तो हमारा सुबह वाला व्लॉग जो है ना, वो शुरू हो चुका है। रहना हमारे साथ, जो न्यू है हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट करें। तो चलते हैं आगे। आज की जो भी रूटीन है बहन भाइयों से करते हैं शेयर। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि रात आई थी बारिश, तो उसकी वजह से जो है ना अभी भी बादल बने हुए हैं। तो मैं मौसम भी आप लोगों को दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। और नीचे देखें, ये सब बारिश का जो पानी था, पानी तो सूख गया, इधर से निकल गया, लेकिन ये मिट्टी देखें कितना है सहन में। ये सब मिट्टी है। और ऊपर का माहौल देखें, ये देखें, वो बादल है, धूप नहीं है, बादल बने हुए हैं। दिन मतलब यूँ समझे कि दिन जो है ना ठंडा है, गर्मी नहीं है। ये देखें, हमें तो वैसे भी नीचे जो है ना पता नहीं चलता गर्मी है सर्दी है क्या है। हमारे लिए तो गर्मी ही गर्मी होती है। नीचे तो रात आंधी थी, बारिश थी, फिर भी हमें जो है ना पता भी नहीं था। ऐसे है बस, इधर जो है ना, इधर पानी आता है इस साइड से, तो इधर से निकल जाता है। अंदर वैसे ही गर्मी होती है बिल्कुल, मतलब जैसे कि बारिश आए तो मौसम ठंडा हो जाए, वो हिसाब नहीं होता। तो अभी भी मैंने नाश्ता तो बना लिया है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि नाश्ते में क्या बनाया है, वो भी चल के देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, आतिफ जो है ना, ये इन्होंने चाय कर ली, अकेली चाय नहीं, रो रोटी के साथ फिर खाओ, ये लो, शाबाश। ऐसे अकेली चाय सुबह सुबह नहीं पीनी चाहिए, फिर भूख मार जाती है, कुछ खाने को दिल नहीं करता। और इधर है हमारी अमीना सरदार, ये भी नाश्ता कर रही है। क्या हाल है, तबीयत सिया ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह, अरबी के साथ नाश्ता कर रही हो? हाँ, आपको पसंद है? हाँ। मैं खा लूंगी, आप पहले खा लो फिर मैं खाऊंगी, ठीक है? मजा देती है ना। हाँ, ये हुई ना बात, वेरी गुड। हाँ जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक का करम है, पाक जात का शुक्र है। हाँ अच्छा, मुंशी वाले दावत खाने आएंगे? हाँ चलो ठीक है, जब आ जाएंगे तो हम दावत खिला देंगे। हाँ ठीक हो गया, सायरा भी आएगी, उसकी बेगम भी आएगी, और नाम जो है ना, नाम तो एक ही है, बेगम और है सायरा और है। तो हाँ अच्छा, फिर आप दुल्हन प्यार मोहब्बत करता ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब नाश्ता करो, ठीक है? और इधर जी बैठी है अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अम्मी जान? ठीक है, तबीयत सेहत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। नाश्ता हो रहा है? हाँ जी। ये देखिए, कल दोपहर को जो बनाई थी हम अरबी, और दोपहर को बनाते हैं, और रात को जो है ना, रात को कोई नहीं खाता, तो बस अबू दवाई खाते हैं, अबू थोड़ा सा करते हैं, बस दो तीन बुर्कियाँ लगाते हैं, बाकी जो है ना हम सारा रख देते हैं फ्रिज में, फिर सुबह का नाश्ता हो जाता है। तो इधर जो है ना, इधर रोटी बना के रखी है, ये देखें, और इधर है ये, और अम्मी जान भी नाश्ता कर रही है, और अबू जान भी नाश्ता कर रहे हैं। अबू जान क्या हाल है? तबीयत सेहत ठीक है? फिर हंस क्यों रहे हैं आप? आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं ना, इसलिए मैं कैमरा नज़दीक करके सुन रही हूँ कि कुछ समझ भी आए कि आप क्या कह रहे हैं, सही है? हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अबू जान भी ठीक ठाक हैं, नाश्ता कर रहे हैं, माशाल्लाह हंस भी रहे हैं, और इसका मतलब है जो अबू बहुत खुश हैं, ऐसे ना? हाँ जी हाँ जी। तो आतिफ जो है ना, आतिफ ने बोला मुझे आलू अरबी नहीं खानी, और मुझे खाना है ये
चाय के साथ नाश्ता करना है ऐसे। हाँ जी। और बाकी सब सो रहे हैं। हाँ जी। अच्छा ये हो गया, तो अभी हम जी करते हैं नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद जो है ना फिर जो रूटीन होगी आगे की वो भी शेयर करेंगे। और एक बात और के जैसे कि आप लोगों को पता है हमने जो है ना उधर जाके जो प्लाट देखे हैं वीडियो बनाई है, जैसे कि सब लोग कह रहे हैं वो जो जहाँ मतलब के चार दीवारी भी दी हुई है, जहाँ दरख्त भी लगे हुए हैं, मतलब जो कुछ बना हुआ है प्लाट में, तो वो वाला जहाँ एक कट्टा बांधा था, तो सबका वही कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है, तो आप लोग जो है ना वही ख़रीद लो। तो हमारी भी पूरी फैमिली को बहुत पसंद है, मैं भी बहुत पसंद है, तो हमारे बच्चे भी बड़े भी सब जो है ना कहते हैं वही ले, लेकिन आप लोगों ने दुआ करनी है कि उसका जो है ना कोई हिसाब किताब ऐसा बन जाए, कोई ऐसा सौदा बन जाए जो हमें भी परेशानी ना हो और उनको भी ना हो, इसी हिसाब से मतलब हमारे पास पूरे पैसे ना हो, हम जितने हों वो हम दे के ये इस घर के जितने पैसे हों वो हम दे के आगे जो है ना आगे फिर वो कुछ कर लेते हैं, रख लेते हैं, तो इसी हिसाब से बस दिल तो हमारा यही चाहता है कि हम जो है ना वो ही प्लाट लें, वो ही घर लें। तो क्योंकि वो अगर पैसों के हिसाब से देखा जाए कि जैसे दें उन्होंने बोला है, मांगा है जो है ना पैसे, तो ये है ये जो हमारा घर है जहाँ हम रह रहे हैं, इस घर का जो प्लाट है प्लाट बहुत कम है, 7 मरले कहाँ और 20 मरले कहाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये है 7 मरले और वो है मरला, यही होता है कुछ लोगों को पता होता है मरले का, कुछ लोगों को नहीं होता, मरला इतना होता है कि ये इतना मरले की इतना ज़मीन होती है कि एक छोटा सा कमरा बनता है मरले में, और ये जैसे कि ये ड्रैग रूम है ना हमारा ये बैठक, तो यह समझे कि एक मरले में बनी हुई है, इतनी सी जगह होती है एक मरले की, तो ये हमारे थे 7 मरले और 7 मरले कहाँ और 20 मरले कहाँ। इधर तो प्लाट के पैसे मतलब के ज़मीन के पैसे कम हैं, और ये जगह बनी हुई है जगह का पैसा था, इसलिए ये 40 लाख का हमने लिया था, लेकिन उधर है, उधर अगर जगह नहीं बनी हुई, बस 2 कमरे बने हुए हैं और 4 दीवारी है, नलका भी लगा हुआ है, और बाकी भी जो होता है सेटअप वगैरह वो थोड़ा बहुत जो है वो, लेकिन उसका पैसा कम है, लेकिन जो ज़मीन है ज़मीन फिर वो 20 मरले ज़मीन है, तो 20 मरले मतलब के 20 मरले का मतलब है एक कनाल, हाँ एक कनाल, कुछ लोग कनाल और एकड़ के हिसाब से समझते हैं और कुछ लोग मरलों के हिसाब से, मतलब हर शहर का अपना अपना रूटीन होता है, कोई मरले का हिसाब लगाता है, तो कोई आधी कनाल, 10 मरले को आधी कनाल कहते हैं, 20 मरले को एक कनाल कहते हैं, 40 मरले को आधा बीघा कहते हैं, और 80 मरले को जो है ना एक बीघा कहते हैं, 100 फिर 80 को फिर दोबारा 80 को 80 और 80 मिलाएं, 2 मिलाएं तो फिर 160 का एकड़ बनता है, एक एकड़ बनता है 160 मरले का। तो ये है कि इधर जो है ना हमारे इधर मरले का हिसाब होता है, यूँ से मतलब 20 मरले जो है वो एक कनाल है, पूरी एक कनाल है, तो वो जो है ना उधर वो ज़मीन का पैसा है, इधर ये मकान का पैसा है, हिसाब बराबर ही है, और आजकल की जो महंगाई है उसी हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी जगह पे वैसे प्लाट जो है ना लोग ढूंढ रहे हैं देख रहे हैं, लेकिन कम से कम फिर देखें फ्रंट पे बिल्कुल रोड के ऊपर साइडों से मतलब थोड़ा साइड पे हो, देहात का माहौल हो और जो है ना रोड़े वगैरह ना हो, जैसे गलियां होती हैं जहाँ ऐसे छोटे मोटे रास्ते होते हैं, उस हिसाब से तो कम कीमत में प्लाट मिल जाते हैं, लेकिन इधर का जो फ्रंट पे बिल्कुल रोड के ऊपर जो प्लाट है ये जो है ना हमारे हिसाब से महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो ये इतना मतलब कि महंगा नहीं है, उनके प्लाट के हिसाब से जो एक कनाल है, एक कनाल के पैसे साफ जा रहे, इतना तो वो मांगेंगे ना, इतना तो बनता है उनका, तो बाकी जो है ना लोग देख रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी पूछें जहाँ भी देखें 4 लाख का एक मरला, 5 लाख का एक मरला, जो फ्रंट पे है रोड के ऊपर जो प्लाट है ना वो कम से कम 4 लाख 5 लाख 6 लाख इतने का एक मरला देते हैं, लेकिन उस हिसाब से तो सही है, लेकिन वो हर किसी का अपना हिसाब होता है, लेकिन वो जो है ना मतलब कि ये इस घर के साथ भी कर सकते हैं, वो उन्हें बोला अगर घर के साथ करेंगे जैसे चेंजमैन होता है, हम वो प्लाट रख लें, वो ये घर रख लें, बाकी जो होगा उसका कम है, इसका मतलब ज़्यादा है हमारे घर का, तो लेना देना हो जाएगा, लेकिन ये है कि हमारा तो इधर से आधा हिस्सा मिलेगा, तो आधा हिस्सा अगर वो रखते हैं और
बाकी अगर वो आगे कर लेते हैं जैसे किस्त के हिसाब से, तब मतलब कि ऐसे जो है ना सोच रहे हैं कि ऐसा कोई हो जाए तो सबको बहुत पसंद है। उसमें ये हो सकता है कि हम जो है ना अपनी मर्ज़ी से कमरे भी जितनी मर्ज़ी बना सकते हैं, और उसके बाद जो है ना एक साइड पे और दूसरी साइड पे हम सब्ज़ी भी बीज सकते हैं। और इधर जो है ना हमारे बच्चे भी बहुत परेशान रहते थे, तो हमें छोटा सा सहन है, हमें जो है ना खेलने का मतलब के खेलने की जगह भी नहीं होती, ताकि हम कोई जैसे कि कोई चीज़ें वगैरह होती है बच्चों की और वो मतलब के सहन में जो है ना खेलते हैं अपनी चीज़ों के साथ, वो हिसाब नहीं है। तो बच्चों को मैंने वीडियो दिखाई और बच्चों ने बोला हाँ बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बड़ा घर है, इसमें हम जो है ना खेलेंगे भी, हमारे खेलने बड़ा घर होगा, सहन बड़ा होगा, तो हमारे खेलने का भी हिसाब किताब, बच्चों का मतलब भी सेटअप हो सकता है, बच्चों के लिए खेलने की कोई चीज़ें हम इधर नहीं लेके दे सकते थे, उधर हम लेके दे सकते हैं, बच्चे भी खुश होंगे और कमरे भी बना सकते हैं, सब्ज़ी भी बीज सकते हैं, मतलब जिस तरह का जैसे मर्ज़ी हम जैसे कर सकते हैं वैसे बना सकते हैं। ये है बस बात, ये है कि वो जो है ना उसका कोई ऐसा हो जाए हाल तो फिर तो है, लेकिन पसंद तो सबको बहुत आया, जैसे कि सब बहन भाई बोल रहे हैं कि वो सही रहेगा, वो बहुत खुला ढुला प्लाट है, वो ख़रीद लो, उसमें सब्ज़ी बीजना, उसमें ये करना वो करना, हमारा भी यही मसला है, यही सोच है, तो हमें जो है ना वो हो जाए तो फिर जो है ना इंशाल्लाह, बाकी सब ने दुआ करनी है कोई अच्छा सा ऐसा सेटअप हो जाए। लेकिन उसके बाद देखें अबू जान जैसे कल प्लाट वो देख के आए, ए अबू की हंसी का मतलब यही है कि अबू वो प्लाट पसंद है, इसलिए आज अबू हंस रहे नहीं थे, रोज तो खामोश होते थे, ऐसे ना अबू जान? हाँ जी, हाँ जी। तो अम्मी जान भी, और अम्मी जान ने भी कल से देखा है, पहले देखे सब परेशान थे, जैसे वो प्लाट देखा माशाल्लाह सब खुश है, खुश हो गए थे, अल्लाह से दे देगा। हाँ तो फिर जो है ना अमीना भी बहुत खुश है, अमीना को बताया तो अमीना भी बहुत खुश है। अमीना बताइए क्या आपको इनाम मिलेगा, आप दुआ करो अगर ये मतलब हो जाता है सेटअप तो उस वो बड़ा प्लाट है, उस प्लाट में हम आपको जो है ना अलग कमरा बना के देंगे, सही है, आपका अलग कमरा होगा। हाँ आप अपनी पेटियां भी रखना, अपनी बोरे भी रखना, अपना सारा सामान अपने कमरे में रखना, बस आपने दुआ करनी है कि वो जो है ना हो जाए। छोटा बक्सा कहते ना, हाँ ठीक है, वो भी करेंगे, छोटा सा बक्सा लेके मशीन भी रख देंगे आपकी, और आपको मशीन भी ले देंगे, आप कपड़े भी सिलाई करना, गिंदियाँ भी बनाना, जो बोरे में वो इकट्ठे करती हो ना वो कपड़े वगैरह, वो सब बनाना, ठीक है ना। हाँ बस आप दुआ करो, वो बड़ा प्लाट है उसमें हम सब्जी भी बीज सकते हैं, सब्जी मतलब के सब्जी रहाएंगे, फिर सब्जी हमारी हो जाएगी, फिर हम उधर से सब्जी ताजी तोड़ तोड़ के खाएंगे। सही है या। हाँ दो कमरे बने हुए हैं, पक्के ने कच्चे पक्के कमरे बने हुए हैं, दो ये मजा लगा। नलका भी लगा हुआ है, आप ऐसे नलका चलाओगी, पानी भर के पियोगी ताजा ताजा, सही है ना। हाँ नाश्ता कर गया? अच्छा तो नाश्ता कर गया, अच्छा ठीक है मैं नाश्ता करती हूँ। और मजे की बात तो ये है कि उधर का जो पानी है ना, हमारा जो ये है कि ये जो बड़ी रोड है वो बड़ी रोड के पार है राधियाबाद, मतलब कि वो एक जमीन जो है ना वो उसमें फसलें उगाते हैं, तो जहाँ फसलें उगाते हैं उधर का जो पानी होता है ना वो पानी मीठा होता है। तो ये जो हमारी मेन रोड खान मेल से खानपुर जाती है ना, इस मेन रोड के इस साइड पे जहाँ हम बैठे हैं इस साइड पे पानी घर का जो है ना वो सही नहीं है, नमकीन जैसे नमक मिला हो नमकीन और कड़वा सा ऐसे पानी है, इसमें जो है ना कोई चीज़ मतलब के साख्त हो तो वो गलती भी नहीं है, वो नरम भी नहीं होती, और उसके हिसाब से जो है ना बस ऐसे हर कोई गुजारा चला लेता है। और उधर से जिस साइड पे हमने अभी प्लाट देख के आए हैं ना उस साइड पे जो है ना उस साइड पे पानी बिल्कुल मीठा है, उधर से लोग पानी की टैंकियां भर के ले आते हैं इधर जो है ना फिर वो बेचते हैं, तो ये सब घरों वाले जो है ना मोल वो पानी खरीदते हैं, और वो पानी उसको बोलते हैं वाटर सप्लाई का पानी, और वो वाटर सप्लाई का पानी मतलब वो पानी जो है ना इतनी मीठा इतनी है ना बिल्कुल जैसे वाटर सप्लाई का होता है बिल्कुल वैसे, उधर पानी ज़बरदस्त, पानी की भी टेंशन नहीं है। तो ये है कि हमारे फिर भी इधर इस घर का पानी थोड़ा नमकीन है, थोड़ा कड़वा भी लगता है थोड़ा नमकीन भी लगता है, तो वो पानी बिल्कुल सही है, और ये बात भी है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, जो जिसके नसीब में होता है वही होता है, इंसान चाहे अगर हमारे नसीब में होगा हम चाहे जितनी
मर्जी मतलब पीछे हटें तो भी हो, हमें मिल जाएगा। अगर हमारे नसीब में नहीं होगा तब हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो जो है ना हमें नहीं मिलेगा। सब नसीब की बात होती है, देखते हैं कि क्या होता है, बस आपने दुआ करनी है। बाकी मैं अभी नाश्ता कर लूँ, उसके बाद जो है ना फिर ये सफाइयाँ वगैरह करनी है। ये देखें, ये बस इनका कुछ करना है, झाड़ वगैरह लगाएंगे, सफाई वगैरह कराएंगे। और मौसम आज भी ठंडा है बिल्कुल, और बादल बने हुए हैं, तो बारिशों का जैसे मौसम। रात भी बारिश बहुत सारी आई थी, तो माशाल्लाह अच्छी खासी बारिश आई थी, और अभी भी बादल बने हुए हैं। देखते हैं मौसम का भी हिसाब किताब। और अभी मैं कर लूँ नाश्ता, और नाश्ते करने के बाद फिर देखेंगे, फिर जो रूटीन होगी वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अम्मी बना रही है जी सब्जी, क्योंकि ये भी एक यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि छुरियाँ ये चीज़ें दिखाने से फिर चैनल उड़ा देते हैं, तो इसलिए कह रही थी। आज हमने सब्जी क्या ली है, वो जो है ना आज हमने ली है अब्बू की फरमाइश की चीज़। अब्बू की फरमाइश की चीज़ ये थी, अब्बू ने बोला आज लो बैंगन, आज हमने बैंगन लिए हैं। जब तक मैं सफाया करूंगी, अम्मी जान सब्जी बना लेगी, तो फिर हम दोपहर का खाना बनाएंगे। अभी जो है अम्मी सब्जी को छील रही है, काट रही हूँ मैं सब्जी, काट रही हूँ अम्मी, काट रही है सब्जी, और साथ में खड़ी है परी। और परी को जो है ना रात बहुत तेज बुखार था, जुकाम था, खांसी थी, तो ये रात को रोती रही। अब बताओ आप कैसी है, आपकी तबीयत ठीक है? वाह, अब तो बुखार नहीं है आपको, आप तंग नहीं करोगी, रोगी भी नहीं, और खाना खाओगी, दूध पियोगी, अच्छा दवाई पियोगी, दवाई मतलब शरबत पियोगी, और तो कुछ नहीं होता, बच्चों के शरबत ही होते हैं। तो परी जी कहती है मैं सब कुछ करूंगी लेकिन आपको तंग नहीं करूंगी, ऐसे हाँ जी सही हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी फिट। तो ये दोस्तों हमारा सुबह वाला व्लॉग जो है ना स्टार्ट हुआ पड़ा है पहले से ही, और हमारे पंखे जो है ना दो दो चल रहे हैं। एक अमीना इधर सोई थी, पता नहीं क्या उसने चलाया हुआ था, और काफ़ी देर से मैं रोले सुन रहा हूँ अमीना के और साहब के और अब्बू जान के। और सुनाओ अब्बू जान, ठीक हो, खुश हो, मौज लगी हुई है? अच्छा सुनाओ फिर क्या बना, प्लाट का क्या मूड है फिर, दिल को लगा या नहीं लगा प्लाट, या वो जो है आपके हाथा था? पता नहीं, तो आपको पता नहीं, आप अब्बू हो ना, आप आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने भी रहना है, तो कौन सा इहाता अच्छा था या क्या पता, मैं रहना नहीं रहा, क्यों नहीं रहते, हाँ क्यों नहीं रहते, बाप का क्या रोला पड़ गया? नहीं क्या रोला हो गया बताओ, बीमार आ नहीं, हाँ बीमार बंदा हो तुम, मेरा हाथ तो छोड़ो, नहीं छोड़ती,
क्या रोला क्या है आपका? शैम्पू बिटवा देते अच्छा शैम्पू फिर आपके लिए ले आऊं हाँ ले आऊं शैम्पू शैम्पू ले आऊं वो तो बीमार तरह रहती हो बीमार तो अबू भी रहते हैं हाँ आपसे ज्यादा तो अबू बीमार रहते हैं बताओ हाँ आपको क्या चाहिए बताओ शैम्पू हाँ क्या कहती है अबू आप क्यों रो रहे हो हाँ आप भी अमीना की तरह रोने लग गए मोटर बंद कर दो टैंकी फुल हो गई है मोटर बंद कर देते हैं एक दो ये छोटी मोटर है ना इसका पता ही नहीं चलता चल रही है नहीं चल रही वो ऊपर से टैंकी फुल हो जाती है और जो है ना अमीना सरदार है बोलो क्या शैम्पू लेके दूँ हाँ आप देखो अब बुजान बात सुनती नहीं रोने लग जाती है तो मैं फिर क्या बोलूँ कैसे इसको बोलूँ कि हाँ क्या लेना है वो बात सुनती नहीं है रोने लग जाती है बताए मुझे कि हाँ मुझे शैम्पू चाहिए मुझे साबुन चाहिए मुझे ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए वो बताती है नहीं उसकी मर्जी है हाँ मीना आज सारे रो रहे हैं क्या वजह है महरम आ गया है हाँ बता क्या चाहिए बता शैम्पू चाहिए घेना वहाँ भैया हाँ शैम्पू ले आऊँ बताओ अमीना नया शैम्पू ले आऊँ कौन सा सावा काला बताओ रो नहीं सीधी होके बता फिर मैं नहीं पूछूंगा अगर आप रोती हो तो हाँ बताओ काला हो या सावा हाँ वो नित बीमार तो रहती हो हाँ बो नित बीमार जो रहती है फिर बंदा क्या करे हाँ बता अमीना मैं शैम्पू का पूछता हूँ आप कहती हो नित बीमार कमीज नीचे करो मैं फिर बात नहीं करूँगा ये देख लो चलो जी आपकी मर्जी मैं आप कुछ नहीं लेके दूँगा बस आप बात ही नहीं सुनती मेरी बताओ ना शैम्पू काला हो या सावा चलो ठीक है ना बताओ आपकी मर्जी है मैं चलता हूँ फिर बस मैं बात ही नहीं करता आप मेरी बात ही नहीं सुनती मैं क्या करूँ और इधर जो है ना सलमान खान रोटी पका रही हो हाँ जी क्या सालन क्या है सालन बनाया है बैंगन बैंगन हाँ जी अमीना से तो बात नहीं करनी क्योंकि ये बात मेरी सुनती नहीं है हर वक्त मुझे मैं बातें करता हूँ ये रोने लग जाती है मैं बातें करता हूँ ये रोने लग जाती है और इसको पूछता हूँ कि क्या चीज़ चाहिए तो फिर रोने लग जाती है अब बंदा कहाँ जाए मुझे क्या पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और बस यही जब पूछो कि अमीना क्या क्या रोला है क्या मसला है फिर रोने लग जाती है फिर रोने से मुझे क्या पता चलेगा हाँ मुझे बताओ मुझे कुछ पता चलेगा जब आप रोगी अब आप रो रही हो मुझे क्या पता आप क्यों रो रही हो जब की आप बीमार हुई हो क्या हुआ है तो शैम्पू ना उठाया करो वो डॉक्टर वाला शैम्पू मेरे सर के जो दाने हैं उनके लिए डॉक्टर वाला शैम्पू है तो आप वो उठा रही हो वो ना उठाओ आपके लिए मैं अपना शैम्पू ले आता हूँ ठीक है नया शैम्पू आपके लिए ले आता हूँ चिट्टा हो या काला दो बोतलों लो जी कहती है दो बोतलें चाहिए शैम्पू भी चाहिए और दो बोतलें चाहिए कौन सी काली चिट्टी बताओ काली चिट्टी काली चिट्टी ना हो चलो सही है काली ले आता हूँ रोना बंद करो अब हंसो
रोना बंद करो, रोना नहीं है आपने, अब हंसो, खिलो, रोना बंद करो। हाँ ऐसे, ये चीज सदके सोने शहजादे, मेरे सोने सरदार अमीना खान। हाँ क्या हुआ? हाँ ओए ओए, मेरे को सीधा तक पकड़ ले। हाँ बताओ, अब बताओ। हाँ आप खुश हो ना? ले आऊँ आपके लिए शैम्पू? हाँ सही है, आप चुप हो जाओ, रोना बंद करो और चलो अंदर चलते हैं। चलो शाबाश सुने, शाबाश। चलो और ये देखे, ये तो एक इधर खड़ा हुआ है, क्या कर रहे हो? शह खा रहे हो? और इनको देखो, इन दोनों को। हाँ ये झूले बनाए हुए हैं आप लोगों ने, बहुत अच्छा। तोता भी उधर बैठा है और अम्मी जान इधर बैठी है। हाँ जी अम्मी जान, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? अल्लाह के शुक्र। कल मैंने सुना है कि आप बोल रही थी कि आपको प्लाट बहुत पसंद आया है। हाँ प्लाट पसंद आया। हाँ सलमा कह रही थी कि अम्मी कहती है वही प्लाट हमें बहुत पसंद है, वही चाहिए। वो पसंद है मैं तो अलीशबा चुप करो। अड़ी आते मैं आते वो के नो एक पासे हो तू। हाँ आते प्लाट ही चंगा है सारा कुछ। फिर दुआ करे कोई बन जाए साहब किताब, अभी तो पैसे वो ज्यादा मांग रहा है ना। फिर ए, वो जो प्लाट खाली प्लाट देखे आए थे रोड के साथ, अभी उसकी भी कॉल आई है। वो भी कह रहा है कि आओ रेट बताते हैं, बात करो। फिर वो भी जाता हूँ उनसे बात करता हूँ कि वो क्या कहते हैं। ऊपर से वो भाई वालों का मतलब मकान का, वो कहते हैं कि ना मकान वगैरह हम ढूंढते हैं। तो मैंने उनको बोला है, मैंने कहा एक मकान इधर खड़ा है, सात मरले का है, चार कमरे हैं बीच में, तो अगर वो आप लेना चाहो तो वो देख लो अपनी मर्ज़ी से, आप लोगों की मर्ज़ी होगी। ये ना हो कि बाद में आप बोलो कि आपने कहा है। वो अपने हिसाब से मतलब देखेंगे, अपने उनके बेटे हैं, अपने हिसाब देखेंगे। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे कमरे हैं, अगर आपका दिल करे तो वो जाके देख लो। मुझे एक बंदे ने कहा है कि यार वो प्लाट पड़ा है, एक मकान पड़ा है। मैंने कहा ठीक है आप देख लो, बाकी वो आज वो भी अगर देखेंगे देख लेंगे। मैं भी एक और प्लाट पड़ा है वो भी देखता हूँ आज। तो हाँ एक और प्लाट 32 मरले का पड़ा है, बत्री मरले का। वो खाली प्लाट है, वो खाली प्लाट है, वाला खाली प्लाट था ये तो वाला। वो सैड एरिया है, वो पीछे ते है आबादी है, फसलें ने बेचे वो प्लाट। वाला फसलें ने बेचे वाला आधे जवान बहू। हाँ चारों तरफ फसलें हैं, आधे ज प्लाट आधे जो तो वाला। लेकिन वो सस्ता मिलेगा, सस्ता से मिलेगा तो वाला ना साकू की थोकी के रास्ता साडे ये या सड़क ना की तो सड़क ने वाला पास से गाड़ो न्यू। मुझे वो भी, मुझे भी पसंद आया है वो प्लाट, गाड़ी भी सीधी अंदर चली जाएगी, ट्रक भी लगे हैं, सब कुछ है। तो वो तो फिर देखेंगे ना कि अगर डर नहीं होता नहीं, वो मतलब अगला बंदा अब मानेगा तब ही ना। हम अब जबरदस्ती उतना थोड़ी के अब वो मुझे 1 करोड़ बोले तो मैं उसको 1 करोड़ दे दूँ। हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हमारा कितना बनता है हिसाब किताब। बाकी प्लाट तो सही है, ठीक है माशाल्लाह। और इधर जो है ना ये आ चुकी है आप दस्तरखान बिछाने। चल परी पकड़ो, शाबाश शाबाश। चल अलिशबा आप भी पकड़ो। बेचने का नहीं बोला मैंने, कहा पहले प्लाट वगैरह ढूंढने उसके बाद फिर इसका बोलेंगे। अगर ये जो मालिक मकान ने दिया था वो रख लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बोर्ड लगा के बेच देंगे। ये तो जल्दी बेच जाएगा, ये तो चौक में है। चलो जी इधर दस्तरखान लग चुका है और अभी खाते हैं खाना। पक चुका है? हाँ जी। भरथे वाला? हाँ जी। अच्छा वो तो देखो, वो तो पहले चीज़ें खा रहा है, उसको क्या भूख लगेगी। ये मैडम को देखो जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, काम कर रही है मैडम। अब इसको उठाओ, इसको भी उठाओ। हाँ ये दूसरा भी पकड़ो और ये वाला। हाँ चलो
चलो जी ये आ गए रोटियां, अब सालन ले आओ, खाली रोटियां ले आती हूं। ले आओ, चलो आपको बुला लिया, जाओ अयान को, जवेरिया को, अयान जवेरिया और पानी भी ले आओ जल्दी। चलो जी मिलते हैं फिर कुछ देर में। अल्हम्दुलिल्लाह, तो जी दोस्तों खाना वगैरह खा लिया है, दोपहर का हमने खाना खा लिया। अभी जो है ना फिर करता हूँ, फिर वो जो प्लाट वाला था उसने कॉल की थी, अब उसके पास जाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि वो क्या रेट बोलता है। और अम्मी जो है ना एक ही बात पकड़ के बैठी हुई है कि मुझे वही प्लाट चाहिए जो देख के आए हैं, दो कमरों वाला। तो अम्मी अगर वो प्लाट, खाली जो प्लाट है वो मिल जाए तो पहले तो कोशिश होंगी साल भर ना बीती हुए। हाँ अदा पीछे वाला भी जो बाप, हाँ उसका भी वो बुला रहा है, रेट पूछता हूँ कि वो क्या रेट बताता है, रेट क्या बदले ले, उबा रेट क्या। हाँ इधर जो है ना ये देख लें, वो बस्ती के अंदर है, ये साइड पे है, इधर बिजली वगैरह तो अभी नहीं है, फिर बिजली के बगैर रहना पड़ेगा। तो ये तो माया दे अमिता जी तर नहीं सही लगते, वो चलो नाल तय कहीं आली मीटा की तरफ आ दे सकते हूं, अदा चलो नाल दे ये नो वही भी कह दे बिजली दे, वो भला घर में बिजली दे बगैर कर चला सकते, बिजली तो लाजमी होनी चाहिए है। बिजली ना होवे तो भला निके निके बाल है ना जीवे नहीं अथी दे उठा वाली, चलो कोई कई कन बिजली बंदा घेंट दिंदे मीटा की तरफ आस दे किंदे ते उठा तो भला नवा मानी अथी सी उसकी मिन्नत करूंगा, उसको बोलूंगा कि कोई रियायत कर या कुछ पैसे रख ले, तो बाकी फिर कर लेंगे। सही है, जो यही रेट क्या लेंगे। हाँ ये भी रेट का पता लग जाए। हाँ वो है जरा वो यो को जा दूं जो चलो बस ये ले नाल कंबा वो तो मीटर लग गई। यही तो है, ये तो सहूलत सब दे नु सहूलत हो गए। हाँ ये तो सहूलत ठीक है। आपका क्या मूड है? मेरा क्या मूड है? मेरा तो ये मूड है कि जो है ना वो ही लेना चाहिए जो मम्मी कह रही है, वो फिर महंगा है, ऊपर से फिर वो दूसरा ये है कि महंगा है वो, ये है ना महंगा है, मैं समझ रही हूँ महंगा है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए ना अगर अगर हम कम लेते, मतलब वो हम 20 मरले का कह रहे हैं क्योंकि 20 मरले एक साथ है, चार दीवारी भी मिली हुई है, तो उसके बाद जो है ना वो उसमें अगर हम कम करें, कम तो प्लाट और भी बहुत सारे पड़े हैं, काम तो ये भी है 6-7 मरले 5 मरले, इसका हमें उसका मतलब इतना तो हमें नहीं चाहिए, हमारी तो यही कोशिश है कि जो है ना हमें कम से कम जो है ना 15-20 मरले चाहिए, जो हम एक बार मुश्किल, यही मैं बात शुरू से कह रही हूँ जिस दिन से हमने ये फैसला किया है ना उस दिन से मैं यही बात कह रही हूँ कि मुश्किलात आएंगे, लेकिन इंसान को जो है ना थोड़ा अपना दिल पक्का करना पड़ेगा, तो टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, अल्लाह पे भरोसा करना पड़ेगा, तो फिर जो है ना थोड़े मुश्किलात भी आएंगे, टेंशनें भी आएंगी, लेकिन उसके बाद जो होगा ना वो फिर जो है ना वो मेरा जहाँ तक ख्याल है, जहाँ तक मैं सोच रही हूँ, जब ये मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगे, ये टेंशनें भी दूर हो जाएंगी, सब कुछ होगा, उसके बाद की जो ज़िंदगी होगी ना फिर देखना, फिर सब यही बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा जो है ना इन्होंने किया है, बहुत अच्छा फैसला भी किया है और घर भी अच्छा लिया है, प्लाट भी अच्छा लिया है, फिर यही होगा कि फिर किसी को टेंशन नहीं होगी। शुरू में जो है ना अभी मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि अभी सबको परेशानी होगी, भाई ऊपर भाई को होगी, मेरी सिस्टर को होगी, क्योंकि हमारे खूनी रिश्ते हैं, और ना ही हम ये नहीं कि ख़त्म तो नहीं कर रहे ना, बस थोड़ी सी होगी, अब हम तो देख रहे हैं, अब वो भी देखेंगे, उनको पता नहीं कहाँ पसंद आता है, कोई उनको भी प्लाट पसंद आता है, वो हमारे प्लाट से कितना दूर लेते हैं, और उनको कोई इस कॉलोनी में कोई घर पसंद आता है वो कहाँ लेते हैं, कैसे लेते हैं, लेकिन
जो बाद का होगा ना अभी अभी वही उनको टेंशन होगी, हमें भी टेंशन होगी, सबकी अम्मी अबू को होगी, सबकी होगी परेशानी। लेकिन इस परेशानी के बाद जो है ना, बाद की जो जिंदगी होगी वो मेरे ख्याल में जो है ना वो सबसे अच्छी होगी। तो मेरी भी यही है, मैं भी आपको यही बोलूंगी कि आप जो है ना बस कोशिश करें। हमें मतलब कि हम पूरे प्लाट के पैसे नहीं दे सकते, तो उसे मतलब रेंट करवाएं, वो रेंट से दे, लेकिन उसको ये भी बोलें कि हम जो है ना जितना हमसे होते हैं तो उसको बोले ना हमारे पास तो ये घर है, हम ये घर बेचेंगे। इसमें जो है ना उसको बोलें कि आधा हिस्सा मेरे भाई का है और आधा हिस्सा मेरा है, मतलब पूरा घर का नहीं है। तो जो इधर से जितने का बिकेगा 40 का बिकता है या ऊपर होंगे या कम होंगे जितने भी होंगे, लेकिन मुझे उसमें आधा हिस्सा आएगा। जो मेरा आधा हिस्सा होगा वो मैं आपको दे दूंगा, बाकी जो आपके बचेंगे वो आप जो है ना किस्त का हिसाब लगा दें, कोई किस्त ज़्यादा नहीं कम किस्त कर देंगे तो हम इंशाल्लाह जो है ना कोशिश करके मेहनत करेंगे। अब आपकी माशाल्लाह आपके पास गाड़ी भी है, तो आप गाड़ी पे मेहनत करना और इधर चैनल पे भी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। गाड़ी की भी सुनो ना, गाड़ी की जो मेहनत है वो तो मैं सोचता ही नहीं ना। गाड़ी की जो भी इनकम है मैं वो ना अपने खर्चे में रखूंगा ना ही मैं किसी और पंगे में डालूंगा। वो गाड़ी की इनकम गाड़ी किस्त अपनी देगी, गाड़ी अपना किस्त निकालेगी ना गाड़ी। आपने जो है ना आप फिर कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ये होगा कि जैसे अभी आप जो है ना गाड़ी के साथ जाके उधर बैठे रहते हैं और हर पास से बताया हुआ है, जैसे इस हिसाब से जो है ना, तो गाड़ी कोशिश आप करेंगे कि गाड़ी की किस्त आप निकाल लें। गाड़ी की किस्त निकल आएगी ना तो फिर जो हमारी ये YouTube की जो इनकम आती है जितना भी है, चाहे इसके खर्चे होंगे लेकिन खर्चों से जो है ना हम कोशिश करेंगे ना। आप ही देखें अगर हम उस प्लाट जो जैसा है फिल वक्त उनसे वो 20 मरले अगर हम उनको बोले कि हमें कुछ कम मतलब हम कम ले लें। नहीं नहीं कम नहीं लेना, जैसे वो बना हुआ है वैसे लेंगे, कम ले लें ताकि ये होगा कि आसानी हो जाएगी पैसे देने में। फिर बाद वो सिस्टम अजीब हो जाएगा जिस तरह का वो सेटअप बना हुआ है ना, 20 मरले की चार दीवारी मिली हुई है, गेट लगे हुए हैं और दरख्त लगे हुए हैं, सब कुछ जो सेटअप वो बना हुआ है ना उसमें, फिर वो मैंने प्लाट देखा है। कोई कोई प्लाट बहुत सारे हमने देखे हैं, वो ऐसे होते हैं कि किसी की लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई कम होती है, तो किसी की चौड़ाई ज्यादा होती है लंबाई कम होती है, इन हिसाब से मतलब वो सीधे नहीं। लेकिन ये चौरस प्लाट है, इसमें घर हम जिस डिजाइन का बनाएंगे वैसा हमारा घर बनेगा। तो ये प्लाट जो है ना अगर उसमें से 5 मरले या 10 मरले वो निकालेंगे, पता नहीं वो किस तरफ निकालेंगे, फिर वो प्लाट का जो है ना वो सिस्टम खराब हो जाएगा। प्लाट फिर सेटअप नहीं बनता, फिर वो कमरे बनाने पर फिर टेंशन होती है भी किस साइड पे कमरे बनाए किस साइड पे नहीं बनाए, फिर वो इंसान को जो है ना फिर परेशानी बन जाती। लेकिन जिस हिसाब का वो बना हुआ है वो हमें वो ऐसे अच्छा लगता है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप कोशिश करें। तो बस आप एक जो है ना आप देखें ना, पहले आपने ये घर जब हम ये घर लेने की बात की थी तब आपके पास एक जॉब थी और कुछ नहीं था, यूट्यूब चैनल आपने बनाया हुआ था लेकिन वो कोई काम का नहीं था, वो चल भी नहीं रहा था क्योंकि आपको वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं मिलता था और आपका फैमिली व्लॉग भी नहीं था, आप अकेले बनाते थे। तो उसके बाद जो है ना आज अल्लाह का शुक्र करें आज आपके पास गाड़ी है, मतलब एक किस्म का वो भी हमारा कारोबार है। तो उसके बाद हमारी चाहे जितना भी है इनकम कम है जे जितना है आ जाती है, हर महीने आ जाती है ना, ये भी अब हमारे पास दो है। अब इन दोनों चीज़ों में हम मेहनत मजीद कर रहे हैं और इसके बाद जो है ना और भी मेहनत करेंगे तो फिर इंशाल्लाह मेरे हिसाब से तो कर देंगे। बस थोड़े मुश्किल दिन आएंगे लेकिन अल्लाह पाक खैर करेगा, लेकिन हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे अगर आप अपने जो है ना मतलब अल्लाह पे यकीन करके अपने मतलब जैसे कहते हैं ना अपने आप को मजबूत करके ये फैसला आप कर ले तो अल्लाह पाक खैर करेगा, हो जाएगा। बाकी अगर आप डरे रहें कि हाँ कैसे करूँगा, टेंशन लें ये होगा वो होगा ना पैसे भरें ये वो फिर तो, क्योंकि इंसान की जो है ना कोशिश होती है मीना रो नहीं, तो यही है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे हम तो यही बोलेंगे, हमारा तो यही मशवरा है। अमीना चलो चुप कर जाओ, देखते हैं फिर। अभी तो अमीना ही रोए जा रही है, इसका शैम्पू ले आऊँ नहीं तो ये ऐसे रोती रहे। हाँ वो जो कल आप शैम्पू ले आए थे ना वो तो सारा राशन में, वो अमीना ने जो है ना इन्होंने नहा लिया था
दो बोतलें थी, मैंने इसको बोला दोनों दे, चलो एक रख ले दो। मैंने बोला अभी आपने नहा लिया जो एक रख लो, एक दो आपका भाई जो है ना, मैंने आपका बोला कि वो नहाएगा, तो फिर जो है ना ऐसे लड़ाई करते करते वो सारा डोल गया, खत्म हो गया। चलो फिर ले आते हैं और। चलो जी अभी जो है ना ये था अभी मतलब के कोई मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो करूं क्या। ये जैसे बोल रहे हैं कि अल्लाह पे यकीन हर किसी को होता है, लेकिन क्या है कि वो जैसे अगली चीज़ बंदा अपने आप को भी देखे कि मेरी कितनी औकात है, कितनी फुर्सत है, मैं उसी हिसाब से अपना काम करूँ। तो देखते हैं अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मैं उधर जाऊंगा, पहले उसका प्लाट का पता करता हूं, अगर वो हमें रैत से मिल जाता है तो ठीक है। और एक सिस्टर पूछ रही थी कि भाई इधर इतना महंगे प्लाट क्यों हैं, यहां कोई शहर थोड़ी है। तो सिस्टर जी ये मिल है ना हमजा शुगर मिल, इधर ये इंटरनेशनल मिल है, तो इस मिल की वजह से इस एरिए की ज़मीनें जो खाली फसलों वाली ज़मीनें हैं ना वो भी बहुत महंगी हैं। इस ज़िला रहीमयार खान में महंगी ज़मीनें हैं, ये नहीं कि सस्ती है अलग, हाँ इससे कोई अलग, क्योंकि आवाम ये देखती है कि यार मिल है, हम एक एकड़ ज़मीन का होना उधर वो कहते हैं कि हम अपना गन्ने की फसल उगा लें तो हमारा पूरा साल सुकून से गुजर सकता है, वो खाते रहते हैं चौधरी बन के बैठे रहते हैं वो इसी मिल की वजह से। इसलिए इस एरिया की ज़मीनें बहुत महंगी हैं। आप चौक की ये रोड है ना, इस रोड के मतलब रोड के ऊपर दुकान कोई लें डेढ़ मरले की या एक मरले की, कम से कम 20 लाख की खाली ज़मीन मिलेगी एक मरला या डेढ़ मरला। फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाओ, मटेरियल वो लगेगा, वो दुकान बनाओ, उसका अलहदा से खर्चा, खाली ज़मीन जो है ना 15 से 20 लाख एक मरला। तो ख़ुद सोचो कि ये इतना महंगी है। तो ये रोड से थोड़ा सा पीछे हट करके है, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे है 3 लाख रुपये मरला, 4 लाख रुपये मरला है, 2.5 लाख रुपये मरला है, 2 लाख रुपये मरला है। जितना ज़्यादा पीछे होगा तो 2-2.5 लाख, लेकिन आगे जितना आते जाओगे तो फिर महंगे हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पर बहुत महंगी ज़मीनें हैं। आप लोग कहते हो कि हाँ देहात में रहते तो फिर इतनी महंगी क्यों है, ये इस चाहे आप किसी से भी कॉल करके पूछ लो, इस रहीमयार खान में कोई भी रहता हो उनसे पूछो कि ये ज़मीनों का क्या रेट है, तो वो आप लोगों को बताएंगे कितनी महंगी इधर इस एरिया की ज़मीनें बहुत महंगी हैं। हाँ रोही चौलिस्तान वाली साइड पर ले लें, उधर फिर भी मतलब महंगी होंगी, इतना ज़्यादा महंगी नहीं होंगी, लेकिन वो रोही वाली साइड होगी, वहाँ ना कोई आबादी होगी ना कुछ, फिर तो उधर सस्ती मिल जाएगी, लेकिन इस एरिया में ना बहुत महंगी है। तो अभी जो है ना वीडियो का मैं एंड करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में शाम वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दो में याद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अमीना अल्लाह हाफिज़ करो, वेरी गुड।